एवरीवन, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दें। जिन्होंने किया है उनका धन्यवाद। आज हम आपको बताएंगे चटपटा चना रैप। अगर ये रैप खाओगे तो आप बर्गर पिज्जा सब भूल जाओगे, इतना टेस्टी बनता है ये। इसके लिए हमने काले चने लिए थे, इसको रात भर भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसको उबाल लिया है, हल्का सा नमक और हींग डाल के। सॉस सलाद लिया है थोड़ा सा, टमाटर, खीरा, प्याज, और रोटी हमने बना के रखी है, चपाती नॉर्मल बना के रखे जैसे आप फुलके बनाते हैं। 2-3 आलू हमने मैश कर लिए हैं। तेल और मसाले, जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, जीरा, धनिया पाउडर, चाट मसाला और नमक थोड़ा सा, क्योंकि नमक हमने चने में भी डाला है तो थोड़ा सा डालेंगे। और फ्रेश पुदीने की पत्तियां, चावल का आटा बाइंडिंग के लिए, और थोड़ा सा 3-4 लहसुन की कलियां और हरी मिर्च, ये अपने हिसाब से ले लें आप जितना मिर्च खाते हो, और एक प्याज को बारीक काटा हुआ। तो हमने मिक्सी में ग्राइंड करना है चने, लहसुन और मिर्च, साथ में पुदीना भी डाल देंगे। चना, लहसुन, मिर्च और पुदीने को हमने ग्राइंड कर लिया। इसमें लगभग 2 चम्मच पानी डाला है, अगर जरूरत पड़े तो ही पानी डालें। हमने 2 चम्मच डाला है क्योंकि ज्यादा गिल्ला नहीं पीसना है इसको। अब बाउल में निकाल लेंगे इसको। अब इसमें हमने मैश किए हुए आलू डाल देने हैं। आलू ठंडे होने चाहिए, जब आलू पहले से उबाल के रखें आप इसको ठंडा कर लें। और सारे मसाले डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, और बाइंडिंग के लिए चावल का आटा डालेंगे 2 चम्मच। इसकी जगह आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हो या कॉर्न फ्लोर डाल सकते हो। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लिया, एक छोटा सा इसका बाउल ले लें और इसको कबाब की शेप देंगे हम, कबाब की तरह। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो चाय के साथ शाम को टी टाइम स्नैक्स में, लेकिन हम इसको चना रैप बनाएंगे इस तरह से, इसकी टिकियां टिकियां बना लें। हमने बना लिए इस तरह से शेप देके। अब 1 चम्मच हमने चावल का आटा घोला है थोड़ा सा पानी डाल के। अब हमने गैस पर पैन रखा है, उसमें तेल डालना हुआ, थोड़ा गैस को स्लो कर देंगे। और ये जो कबाब है इसको चावल के आटे में डिप करके इस तरह से इसमें हमने शैलो फ्राई करना है। इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। अब इसको पलट पलट के हमने ब्राउन कलर आने देना और अच्छे से क्रिस्पी करना है इसको। इस तरह से धीरे से आप पलट दें, इस तरह से क्रिस्पी होने तक इसको अच्छी तरह से शैलो फ्राई करें। इसको हमने दोनों तरफ अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लिया। अब हम प्लेट में उतार लेंगे इसको, और उतारने के बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम बनाएंगे इसका रोल। अब हमने चपाती लेनी है और इसको इसके ऊपर रख दें इस तरह से, और इसमें हमने टमाटो सॉस लगानी है। आप इमली की चटनी या खट्टी चटनी, धनिया पुदीने की, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो लगा सकते हो। इस तरह से पूरी रोटी में लगा दें, और ये रख दें चने का कबाब। इसके ऊपर हमने सलाद रखना है, खीरा, टमाटर, प्याज, और थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से एक हमने इस सॉस लगा के बनाई, एक हमने इमली की मीठी चटनी लगा के बनाएंगे। पहले फॉइल रखेंगे नीचे, इमली की मीठी चटनी हमारे पास, ये लगा देंगे पूरी चपाती में फैला दे, और सेम जैसे वो बनाया हमने रोल वैसे ही इसको भी बना देंगे। हमारा चटपटा चना रैप खाने के लिए तैयार है। आप जरूर ट्राई करके देखें, आपको इसके आगे बर्गर भी फेल लगेगा और हेल्दी भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।